दोस्तों आईपीएल के 45वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल का मुकाबला मुंबई इंडियंस से था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करी। हालांकि ईशान किशन और क्विंटन डिकॉक के जल्द आउट हो जाने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने एक धमाकेदार पारी खेली और मुंबई इंडियंस ने अपना स्कोर 195 रनों पर पहुंचा दिया। इस मैच में क्विंटन डिकॉक के साथ ईशान किशन आए ओपनिंग करने के लिए। ईशान किशन ने 37 रन की पारी खेली जबकि क्विंटन डिकॉक केवल 6 रन के स्कोर पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव ने 40 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। 26 गेंदों पर सूर्य कुमार यादव ने 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए। सौरभ तिवारी आज ऊपर आए और सौरभ तिवारी ने भी एक संभली हुई पारी खेली, 34 रन 25 गेंदों पर बनाए। किरण पोलार्ड कप्तान थे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में किरण पोलार्ड ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या का तूफान आया और हार्दिक पांड्या ने सभी गेंदबाजों को खूब नचाया और खूब जमकर चौके छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या ने अपनी पारी में 2 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के लगाए। इस दौरान हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट 285 का रहा। खास बात यह रही कि इस मैच में हार्दिक पांड्या ने T20 का सबसे तेज अर्धशतक की बात करें तो चौथे नंबर पर वो पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या ने केवल 20 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए। आपको बता दें कि पहले हार्दिक पांड्या ने अंकित राजपूत को निशाना बनाया और उनके एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। उसके बाद में हार्दिक पांड्या ने पारी के आखिरी ओवर मतलब 20वें ओवर में कार्तिक त्यागी की गेंदों को जमकर धुना और हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में भी 3 छक्के और 2 चौके लगाए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम के स्कोर को तेज गति से बढ़ाते हुए 190 के पार पहुंचा दिया है। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या की इस तेज तर्रार पारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।